बिटवीन अस के पिछले एपिसोड में विन और टीम आई लव यू कहते हैं, वान को पता चल जाता है कि टीरेक्स दुल है और वो उसे वहां से जाने का कहता है। टीम अपनी बैग पैक कर रहा होता है, वो अपने मेडल को देख के कहता है, मैंने आपको ये देने का पहले ही सोच लिया था पर मुझे चांस नहीं मिला, इस बार मैं आपको दे दूंगा। विन आता है, टीम पूछता है किसका व्हीकल लेके जा रहे हैं, विन कहता है मेरा। टीम कहता है नहीं, आपके बाइक पे चौनबुरी तक, ये कितना दूर है। विन कहता है मैंने तो पिछली बार कंप्लेन नहीं की थी। टीम कहता है अरे मेरी कार ही ले लो ना, पूरा गैस भरा हुआ है और मैं आपको स्नैक्स भी खिला सकता हूँ। विन हंसता है, मैं मजाक कर रहा था, ये देखो मैं अपनी कार ले रहा हूँ। टीम खुश हो जाता है, ये मर्सिडीज है। विन कहता है मेरे पास पोर्श भी है, तुम्हें वो लेनी है, हम घर जाके वो लेके आ सकते हैं। टीम कहता है इट्स ओके, मर्सिडीज बेंज भी बहुत अच्छी ही है और मुझे पोर्श का दरवाजा खोलना भी नहीं आता। विन उसका हेड पैट करता है, तुम्हें किसी चीज से भी डरने की जरूरत नहीं है जब तुम मेरे साथ हो। टीम कहता है मैं तो कार के डोर की बात कर रहा था, आपको ऐसे रोमांटिक हो जाने की कोई जरूरत नहीं है। विन उसे चिढ़ाता है पर आई लव यू, वो उसकी चीक्स पिंच कर रहा होता है। टीम कंप्लेन करता है, विन कहता है क्यों, मैं लव करता हूँ। टीम कहता है मुझे पता है, आप ये बार बार क्यों कहते रहते हो। विन कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं ना कहूँ तो। वो उसके पास आता है, टीम ब्रोकली डॉल बीच में ला देता है। विन पूछता है क्या कर रहे हो। टीम कहता है मैं ये डॉल भी लेके जाऊंगा खुद को आपसे प्रोटेक्ट करने के लिए। चलो प्रिंस और बी प्रिंस की इवेंट पे से आते हैं। टीम कहता है ये कैसा रहा एक्टर को डेट करना, मजा आया। बी कंप्लेन करता है कि उसकी कमर में दर्द है। प्रिंस उसका शोल्डर रब करता है और कहता है तुम थक गए होंगे, मैं एक बात प्रिपेयर करता हूँ। टीम कहता है मैं यहीं पे हूँ। बी हाथ ऊपर करता है आप अपने आंखें बंद कर लो प्रीतम, मैं उसे किस करने वाला हूँ। तब उसके हैंड को स्लैप करता है और कहता है मैं जा रहा हूँ, तुम लव बर्ड्स अपना करो। विन टीम वान और व्यू चौनपुरी में विन की होटल पे पहुंचते हैं। व्यू पूछता है विन क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ। विन कहता है बिल्कुल नहीं। व्यू पूछता है क्या क्यों। विन कहता है टीम कहाँ सोएगा। व्यू कहता है हमारे साथ, हम तीनों, हम बड़ा वाला रूम ले सकते हैं, तीन बेड्स वाला, प्लीज प्लीज प्लीज। टीम अग्री करने वाला होता है, विन कहता है नहीं। वान कहता है वो उसका बॉयफ्रेंड है, उन्हें अकेला छोड़ दो बुद्धू। टीम कंप्लेन करता है आपने सबको बता दिया। विन कहता है सीक्रेट रखने की क्या जरूरत है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। विन टीम की चीक को किस करता है। टीम कहता है अरे इतने सारे लोग हैं। अब व्यू खुश होता है और वान कंप्लेन करता है इन दोनों का तो। विन और टीम वहां से जाते हैं, व्यू वान पे चढ़ जाता है। विन टीम अपने रूम में आते हैं, टीम अपना मेडल निकालता है और विन पूछता है तुम मेडल को क्यों लाए। टीम कहता है आपको याद है कि मुझे आपको कुछ बताना है। विन नॉड करता है। टीम कहता है मैं इसके बारे में बात करने के लिए रेडी हूँ। वो टॉन के ग्रेव पे जाते हैं, टीम वहां पे मेडल रखता है और कहता है ये आपके लिए है, जब हम छोटे थे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम दोनों एथलीट्स बनेंगे, सिल्वर मेडल मेरा और गोल्ड आपका। टीम विन को टॉन से इंट्रोड्यूस करवाता है, वो कहता है ये पी टॉन है मेरे कजिन। वो एक्सप्लेन करता है कि टॉन कैसे डूब गया था। वो कहता है मैं बहुत जिद्दी था, मुझे स्विम करना था, उन्होंने मुझे रोकने का ट्राई किया पर मैंने कोई नहीं सुनी, मैं डूब रहा था तो वो कैसे मर गए, मैं क्यों नहीं। विन उसे हग करता है, तुम ऐसे नहीं सोच सकते टीम, ऐसे मत सोचो। टीम रोता है ये मेरी गलती थी, हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि हम साथ में एथलीट्स बनेंगे और मैं ही क्यों बाकी रह गया। हर कॉम्पिटिशन के पहले मैं वही सपना देखता हूँ, मैं उन्हें पूल में डूबते हुए देखता हूँ, लोग आते हैं उन्हें बचाने, वो सांस नहीं ले रहे। विन उसे काम करने का ट्राई करता है, वो कहता है ये बहुत टाइम पहले था। टीम कहता है बिल्कुल नहीं, सब कुछ ऐसा लगता है कि कल हुआ हो, ये सब मेरे दिमाग में अभी भी है। आंटी था उनके लिए खाना लाती है और उनके साथ बात करने आती है, वो आज भी रोती है और ये सब मेरी वजह से है। विन टीम को बुलाता है, टीम तुम किसी और से माफी मांगो, उससे पहले अपने आप को माफ करो, समझ रहे हो। टीम कहता है मैं क्यों नहीं मरा, अगर मैं होता तो सब कुछ ठीक होता। विन उसे हग करता है, नहीं नहीं होता, तुम मेरी बात सुन रहे हो टीम, तुम मर नहीं सकते, तुम समझ रहे हो। तभी वहां पे आंटी ता आती है, वो कहती है टीम तुम अभी भी ऐसे क्यों सोच रहे हो, मैं तुम पे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, तुम्हें नफरत नहीं करती। टीम कहता है पर मेरी वजह से वो मर गए, आपने कहा कि मैंने उन्हें मारा। आंटी ता कहती है आई एम सॉरी, मैंने ऐसा कहा,
क्योंकि मैं दुखी थी और मैंने सोचे बिना कह दिया। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हें अभी भी परेशान कर रहा है। टीम उनके पास आता है और उन्हें सॉरी कहता है। आई एम सॉरी कि ये सब मैंने किया। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ? आंटी ता कहती है, कुछ नहीं, तुम ऑलरेडी काफी कुछ कर चुके हो। टीम कुछ कहने जाता है। आंटी ता आगे कहती है, अब से तुम्हें एक बहुत अच्छा एथलीट बनना है और खुश रहना है, उसके लिए प्लीज। टीम रोता है और आंट ता उसे हग करती है। आई लव यू टीम, मैं तुम्हें टॉन जैसा ही लव करती हूँ। विन टीम अपने रूम पे आते हैं। विन कहता है, थोड़ा आराम कर लो, हम शाम को डिनर करेंगे और मैं स्टाफ को कह दूंगा तुम्हारे लिए बहुत सारा सी फूड बनाए। टीम उसे थैंक करता है। विन कहता है, तुम्हें पता है जब से हम मिले हैं तुमने मुझे बहुत थैंक किया है। टीम कहता है, पर मुझे सच में आपको थैंक करना है। विन कहता है, तुम आराम करो, मैं कोट क्लॉथ लाऊंगा तुम्हारी आंखों के लिए ताकि पफी ना हो जाए। विन टीम को सुला देता है और फिर वो वान के पास जाता है। वो कहता है, आपके पास बहुत कम हैप्पीनेस है पर तो भी आपने उसे दूर भेज दिया। वान उसे गाली देता है। विन कहता है, आप उसे लव करते हो तो मुंह क्यों बंद है? वान कहता है, तुम मुझे जानते हो, मुझे सबसे ज्यादा नफरत लायर से है। विन कहता है, पर वो ऐसा करना नहीं चाहता था। वान कहता है, तुम अपनी फ्रेंड की साइड ले रहे हो या मेरी? विन कहता है, किसी की नहीं, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ, उसने मुझे सब बताया, उसे पता नहीं था कि आप कौन हो। वान कहता है, पर उसे पता चल गया और उसने मुझे नहीं बताया, मुझे बुद्धू समझा। हम मिले तो भी पोकर फेस करके बैठा था, उसे बहुत अच्छे से झूठ बोलना आता है। विन कहता है, आपने खुद ने कहा था कि आप उसे मिलना नहीं चाहते। वान कहता है, मैंने कहा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा फ्रेंड है। विन कहता है, उसने झूठ कहा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो आपको लूज करे। आप सोचो तो सही, अगर आपको पता होता कि वो कौन है, क्या आप उसे अपने छोटे भाई के फ्रेंड से ज्यादा कुछ समझते? वान कहता है, क्या फर्क पड़ता है, मैं उसके लिए कुछ ज्यादा ही फील करता हूँ और ये हो नहीं सकता। विन स्माइल करता है, तो आप एक्सेप्ट करते हो कि आप उसको फ्रेंड से ज्यादा समझते हो? वान कहता है, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ उससे कंफर्टेबली बात कर सकता हूँ। विन पूछता है, तो अगर आपको दूसरा चांस मिले तो आप उससे बात करोगे? वान कहता है, अगर मैं चाहता भी तो मैंने उसे ऑलरेडी पुश कर दिया है ना, अगर मैं अब उसके पास जाता हूँ तो मेरा कूल चला जाएगा और तो और मुझे पता भी नहीं है कि वो कौन है। विन कहता है, अगर आपको पता नहीं है तो जान लीजिए, ऐसा समझो अगर वो अभी आपके साथ बात करने आए तो आप उससे अच्छे से बात करोगे? वान कहता है, पता नहीं, उससे पहले ट्राई करना होगा। विन अपना फोन उसे दिखाता है। तल की आवाज आती है, हाय, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। वो वेव कर रहा होता है और उतने में होटल की सिक्योरिटी आके उसे पकड़ लेती है। वान विन को कहता है, धोखेबाज, ये हो जाए उसके बाद तुम गए। विन चिढ़ाता है, अब क्या करोगे? वान कहता है, मैं ये खत्म करके आता हूँ, बाद में तुम्हारी लेता हूँ। वान और तुल एक रूम पे आते हैं। तुल होटल को देख रहा होता है। ये सच में आपकी है? वान कहता है, तुम्हें तो सब पता है ना मेरी लाइफ के बारे में, पूछने की क्या जरूरत है? तल कहता है, अरे मैं आपको नहीं बताना चाहता था मैं कौन हूँ, मुझे लगा था कि अगर आपको पता चल जाएगा तो आप मेरे साथ बात नहीं करोगे। वान कहता है, तुम कब तक ऐसा करने वाले थे? अगर उस दिन मैं गिर नहीं गया होता, क्या मेरे मरने तक तुम नहीं बताते? तल कहता है, शायद। फिर वो सीरियस होता है, मैं सही टाइम ढूंढ रहा था आपको बताने के लिए, पर आपको पता चल गया है तो क्यों ना हम पास की बात ना करें। वान कहता है, तुम यहाँ पे हो पर तुम्हें पास की बात नहीं करनी, तो तुम यहाँ पे क्यों हो? तल कहता है, मैं हमारे फ्यूचर के बारे में बात करना चाहता हूँ, आपका और मेरा फ्यूचर। वान कहता है, तुम क्या कह रहे हो? वो वान को अपनी ओर खींच के उसकी चीक को किस करता है। वान अपनी चीक को टच करता है, तुम क्या कर रहे हो? तुल कहता है, किस कर रहा हूँ। वान उसे धक्का देता है, तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। तुल उसका हाथ लेता है, बी वान, क्या आप मेरा फ्यूचर बन सकते हो? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे फ्यूचर में रहो। वान कहता है, पर मुझे मूव करना होता है काम के लिए और तुम बैंकॉक में पढ़ते हो, दो डिफरेंट सिटीज। तुल कहता है, बैंकॉक और चोनबुरी उतना दूर भी नहीं है, मैं ड्राइव करके आपको मिलने आ सकता हूँ, सुबह रात हर रोज। वान कहता है, मैं तुमसे 4 साल बड़ा हूँ। तुल कहता है, दैट्स फाइन, मुझे ओल्डर लोग पसंद है। वान उसे पिंच करता है। तुल कंप्लेन करता है। फिर वो कहता है, क्या हम उन चीजों की बात ना करें जो अभी हुआ भी नहीं है? मुझे सच में आपका सेफ जोन बनना है, मैं चाहता हूँ कि आप कंफर्टेबल रहें और मेरे पे भरोसा करें जैसे आप टीरेक्स पे करते थे। वान थोड़ा सोच के कहता है, मैं ट्राई कर सकता हूँ। तुल कहता है, क्या ट्राई कर सकते हो? वान कहता है,
तुम्हें डेट करना, मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, मुझे पिकी नहीं बनना, टाइम वेस्ट नहीं होगा। दिल उस पे चढ़ जाता है और उसे किस करता है। फिर वो कहता है, मुझे हमेशा से ये करना था। टीम बीच पे बैठा होता है। विन आता है, मैं तुम्हें खाने बुलाने आया। टीम कहता है, आपको भूख लगी हो तो आप पहले खा लो, मुझे यहाँ पे थोड़ा और रहना है। विन कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं खा सकता। टीम उसके हाथ में से कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेता है, आप मेरे लिए लाए। वो पीने वाला होता है पर विन उसे रोकता है, तुम हमारी ट्रेडिशन के बारे में भूल गए, ड्रिंक करने से पहले क्या करना होता है। टीम कहता है, ये कब से ट्रेडिशन बन गई। विन कहता है, मैंने बना दी, चलो। वो अपनी चीक को पॉइंट करता है, किस मी। टीम उसके लिप्स को किस करता है और कहता है, मैं आपकी चीक से तो बोर हो चुका हूँ। विन उसे धमकी देता है, टीम तुम्हें नहीं पता कि तुम ये क्या कर रहे हो। टीम कहता है, क्यों आपको पसंद नहीं है। विन कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, पर तुम ऐसा करते रहोगे तुम्हें खाने का चांस नहीं मिलेगा। टीम कहता है, क्या आप भी। वो ड्रिंक पीता है और कहता है, चलो खाने जाते हैं। वो डिनर के बाद बीच पे वापस आते हैं, वो स्टार्स को देखते हैं और थोड़ी देर के बाद टीम कहता है, आपको पता है आज मेरा सर बहुत क्लियर है, ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे सर में से पत्थर निकाल दिए हो। विन पूछता है, और ये अच्छा है। टीम कहता है, हाँ अच्छा है। पहले जब ये सब हुआ था मुझे इंसोम्निया था, मुझे मेडिसिंस लेनी पड़ी, एकदम टॉर्चर था। मैं कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, मुझे नींद ही नहीं आती थी, मुझे नाइटमेयर्स का डर था। विन पूछता है, पर अब तुम सो सकते हो है ना। टीम कहता है, मुझे ट्राई करना है, जब से आपके साथ सो रहा तब से धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। विन पूछता है, इसके पीछे कोई रीजन है। टीम कहता है, मुझे भी नहीं पता, जब मैं आपके साथ होता हूँ तो मुझे सेफ लगता है, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ आपके साथ। विन कहता है, मैं भी। टीम अपना सर विन के शोल्डर पे रखता है। विन कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे कहीं और नहीं जाना, मुझे बिलीव नहीं होता कि हम एक रैंडम सिचुएशनशिप से स्टार्ट हुए थे, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, सिर्फ इतना जानो कि मैं तुम्हें बहुत लव करता हूँ। यूनिवर्सिटी पे पाम मनाओ और टीम के लिए खाना लाता है। टीम पाम के कुकिंग की तारीफ करता है और मनाओ उसे चिढ़ाती है, तुम्हें तो पी विन का कुकिंग नहीं पसंद। फिर टीम उन्हें इन्वाइट करता है स्विमिंग मैच देखने के लिए। वो कहता है, मैं इनवाइट ना करूं तो भी तुम दोनों तो शायद आ ही जाओगे है ना। पाम कहता है, ऐसा हुआ है कि हम नहीं आए हो। टीम कहता है, हाँ हाँ, पर दूसरे लोग भी है क्लब पे, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। वहाँ पे पी डीन है और पी पर्क है। मनाओ और पाम ब्लश करते हैं। पाम कहता है, तुम क्या गुस्सा हो रहे हो, आजकल तुम हमेशा पी विन के साथ ही होते हो। टीम कहता है, मैं उनके साथ, वो मेरे साथ है। मना वॉमिट करने की एक्टिंग करती है। डीन कहता है, मैं भी क्या करूं, मैं इतना हॉट जो हूँ, हैंडसम, समझ गए। मनाओ कहती है, ओए मुझे पाम का सैंडविच वेस्ट नहीं करना, नहीं तो मैं उल्टी कर देती। स्विमिंग रेस में टीम जीत जाता है। सी और ए को सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलता है। बी और प्रिंस प्रिंस के रूम में होते हैं। प्रिंस कहता है, जल्द ही हमारी रिलेशनशिप सीक्रेट नहीं रहेगी, सब सेटल हो जाने तक वेट करते हैं और फिर मैं इंडस्ट्री में काम करना ही बंद कर दूंगा। बी कहता है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है प्रिंस, एक्टिंग तुम्हें पसंद है ना, और तुम्हें अपना करियर गिव अप करने की क्या जरूरत है। प्रिंस कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम और वेट करो। बी कहता है, पर इंडस्ट्री छोड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें और बाकी कितने लोगों को सोसाइटी के चेंज होने तक वेट करना होगा, और जब वो दिन आएगा उस दिन हमारी प्रॉब्लम सच में सॉल्व होगी। मनाओ एक ईमेल पढ़ रही होती है। वो पर्क को कहती है, ये पढ़ के बताओ, ये प्लीज पढ़ के बताओ। पर्क ईमेल पढ़ता है, मनाओ को ऑफिशियल कास्टिंग कॉल मिलता है। वो खुश होती है कि उसे एक रियल रोल प्ले करने को मिलेगा। पर्क कहता है, तो मैं तुम्हारा पहला ऑफिशियल फैन, तुम ये भूल नहीं सकते। मनाओ कहती है, मैं नहीं भूलूंगी, आप मेरा फैन क्लब हो और मेरे बॉयफ्रेंड भी। और वो पर्क को हग करती है। डीन पाम को ड्रॉप करने आया होता है। पाम उसे थैंक करता है। डीन कहता है, क्लास के बाद मिलते हैं, और उसकी चीक को किस करता है। पाम चला जाता है और डीन उसे देखता रह जाता है। डीन बीच पे होता है। विन आता है, तुम यहाँ छुपके आ गए। टीम कहता है, नहीं मैं तो सिर्फ सोच रहा था। विन पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो बताओ। टीम कहता है, वेल मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, कल के बारे में और फिर उसके बाद आगे क्या होगा। विन पूछता है, तो तुम अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो। टीम कहता है, मुझे नहीं पता, पर
जो कुछ भी हो आप मेरे साथ हो, विन कहता है। तो हम एक जैसा सोचते हैं। रेडी? टीम पूछता है किसके लिए और विन उसे उठा लेता है। डीन और पाम भी बीच पे होते हैं। पाम कहता है मुझे बीच बहुत पसंद है, मुझे वेव्स का साउंड पसंद है और ये सॉफ्ट सैंड। डीन कहता है मुझे भी। पाम पूछता है आप बीच की बात कर रहे हो ना? डीन कहता है मुझे वो पसंद है जिसको बीच पसंद है। फिर डीन कहता है तुम ग्रेजुएट करो, उसके बाद हमारे स्केड्यूल्स अलग होंगे, मुझे काम पे जाना होगा और तुम्हें भी अपनी चीज करनी होगी। जब टाइम आएगा तो मुझे लगता है, पाम उसे कट करके कहता है इट्स फाइन, मैं आपको समझता हूँ और बाकी सब भी। डीन कहता है तो फिर ये जो ब्रेक आ रहा है तब हम तुम्हारी मॉम को अमेरिका में मिलने जाते हैं। पाम कुछ कहने वाला होता है और डीन कहता है और हम वहाँ शादी भी कर लेंगे जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। पाम उसका नाम लेता है। डीन उसके हाथ पकड़ता है प्लीज पाम, मुझे पता है कि हम एक दूसरे को हमेशा लव करेंगे पर मुझे एक सॉलिड चीज चाहिए ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं तुम्हें लव करूंगा और तुम्हारा ध्यान रखूंगा मेरी पूरी लाइफ के लिए। पाम आई लव यू कहता है। डीन कहता है मैं जितना तुम्हें लव करता हूं उतना। पाम कहता है उससे भी ज्यादा। डीन कहता है सच में? तो तुम्हें प्रूव करना होगा। वो पाम की चीख को किस करता है और डीन और किसेस मांगता है। पाम उसे किस करता है, तुरंत ही शर्माता है और वहां से भाग जाता है। विन टीम को नीचे रखता है। वो कहता है थैंक यू मेरे पे भरोसा करने के लिए कि मैं तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ। टीम कहता है मैं हमेशा यहीं रहूंगा आपका ध्यान रखने, आई लव यू। विन कहता है आई लव यू टू। टीम कहता है पर मुझे आपसे कुछ पूछना है, मेरे साथ स्विमिंग में कम्पीट करो। विन स्माइल करता है। उतने में पीछे से पाम डीन को चिढ़ाता है। ओह कौन प्लश कर रहा है? डीन विन को पूछता है कैसा चल रहा है मिस्टर वाइस। विन कहता है तुम्हारा कैसा है, मुझे मॉक करते रहते हो, अपने लड़के को देखो। ए और सी आते हैं, फिर बी और प्रिंस आते हैं। बी और प्रिंस अपनी रिलेशनशिप सबको बताते हैं, फिर वान और तुल आते हैं और फाइनली मनाओ और पर्क आते हैं। व्यू भी आता है। सबके आ जाने के बाद टीम कहता है मुझे कुछ बताना है। मनाओ एक्साइट हो जाती है। ए तुम लोग शादी कर रहे हो? सब लोग क्लैप करते हैं। फिर टीम कहता है नहीं नहीं, वेल मैंने ही अविन को चैलेंज किया है कॉम्पिटिशन में। सब कहते हैं अरे इसमें क्या मजा है। विन अपना हाथ टीम के शोल्डर पे रखता है। तुम श्योर हो तुम जीतोगे? टीम कहता है क्यों नहीं। एपिसोड एंड होता है विन और टीम की कंपटीशन पे। बच्चा तुम लोग सुपरमैन या फ्लैश नहीं हो, क्या कम्पीट कर रहे हो? हाँ यहाँ पे ये सीरीज खत्म होती है। जितना मैं ये सीरीज को लव करती हूँ, ये जो फाइनल एपिसोड था उसमें मैं जब देख रही थी तब मैंने बहुत सारा स्किप भी किया क्योंकि काफी पॉइंटलेस लगा। लास्ट एपिसोड की स्टोरी टेलिंग क्यूटी पाई टू यू का फाइनल जो एपिसोड था उसके जैसी लगी, जैसे उनके पास कुछ करने को था नहीं और एक्टर्स पे छोड़ दिया हो वैसा। तो स्टोरी टेलिंग काफी खाली खाली लगती है। बिटवीन अस उन शो में से एक है जो बहुत अच्छे से स्टार्ट होता है पर जैसे वो आगे जाता है तो थोड़ा लूज हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि राइटिंग बुरी है। इसमें मोस्ट लाइकली क्या हुआ होगा कि उन्हें 12 एपिसोड्स करने होते हैं तो वो सिंपल राइटिंग को थोड़ा स्ट्रेच कर देते हैं। इसका एक सोल्यूशन ये है कि हम साइड प्लॉट्स या साइड कैरेक्टर्स को ज्यादा टाइम दें, जैसे कि अगर बी और प्रिंस को ज्यादा टाइम मिला होता या फिर वान और तुल को ज्यादा टाइम मिला होता। पॉइंट इज के पीछे के एपिसोड में स्टोरी टेलिंग ज्यादा टाइट की जा सकती थी। चलो हम डीन और पाम की बात करते हैं। ओके जब भी पाम पी डीन बोलता है मेरी जिंदगी में 10 साल ऐड होते हैं और बिटवीन अस में तो भी ना थोड़ा यू नो अंटिल वी मीट अगेन जितना नहीं है। वो जो बोलता है वो इतना क्यूट नहीं है जैसा अंटिल वी मीट अगेन में था। मैं अभी 7th-8th एपिसोड देख रही थी और तब मैंने ये नोटिस किया। विन और टीम जब बीच पे बात कर रहे होते हैं, जब पहली बार वो चौनबरी गए थे तब जब बीच पे बात करते हैं तब वो एक वर्ड यूज करते हैं सिचुएशनशिप, और एक टेलर स्विफ्ट का सॉन्ग है ग्लिच जिसमें सिचुएशनशिप वर्ड यूज किया गया है। एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड ये सॉन्ग ये दोनों परफेक्ट। अल्टीमेटली बिटवीन अस को आई थिंक मैं दूंगी 7 या 8 out of 10 क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग स्टार्ट था पर फिर बाद में वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं है कि बोरिंग हो जाता है पर ऐसा लगता है कि पूरा एक एपिसोड का कोई मतलब ही नहीं था, पूरे एपिसोड में कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुआ तो टाइम का थोड़ा वेस्ट लगता है। वेल एटलीस्ट बिटवीन अस ने उन शोज का रैंक ज्वाइन किया दैट आर लाइक हमें भी शादी करने दो। इमेजिन कि इंडिया में अगर बीएल इंडस्ट्री होती और वो बार बार रिपीट करते रहते हर एक शो के साथ के
हमें भी शादी करने के राइट्स दो, देखने में कितना मजा आता, यू नो पॉलिटिकल एक्टिविज्म असाइड, सिर्फ देखने में कितना मजा आता। ओके, सो मुझे पता है कि मैंने गैप के एपिसोड्स नहीं किए हैं और मैं करने वाली हूँ, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। बात यह है कि ये वीक हैज बिन हॉरिबल, जो BOC में सिचुएशन थी, इंटरनेट पे जो एक्सप्लोड हुआ, उसकी वजह से ये पूरा वीक बहुत ही अनप्रोडक्टिव रहा है। इंटरनेट पे जो हेट स्प्रेड हो रहा है, आप कोई भी साइड बिलीव करते हो, दैट इज़ नॉट माई, यू नो मैं इसके बारे में कोई कॉमेंट नहीं करने वाली, आपकी मर्जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप दूसरी साइड को हेट मत करो अगर ये अलेजेड एक्यूजेशंस राइट है। तो हमें बिल्ड के फैंस से एम्फसाइज करना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से उन्होंने तो फैंस बनने का ही काम किया है, वो सिर्फ फैंस ही है। और जो पोई को सपोर्ट करते हैं, उसका पिछला बिहेवियर कैसा भी हो, उसने कास्ट के साथ जैसे भी बिहेव किया हो, वो ये सिचुएशन को इम्पैक्ट नहीं करता है। तो हमें पोई के सपोर्टर्स को भी कोई हेट सेंड नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं कि इंटरनेट पे हम अनोनिमस हो सकते हैं और ये अच्छी बात भी है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट के स्क्रीन के पीछे एक ह्यूमन बीइंग है। मैंने कितने कमेंट्स और पेटिशंस भी देखे कि BOC ही बंद कर दो। BOC बंद करने से क्या होगा? कितनी बार इन इलॉजिकल चीजों में दिमाग घूम जाता है, और उनके केस का फाइनल रिजल्ट जो भी हो, वी हैव टू एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स। हमें रिस्पेक्ट डिग्निटी के साथ काम करना चाहिए, अपनी खुद की और सामने वाले इंसान की भी। आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, आपको जरूरत पड़े तो इंटरनेट बंद कर दीजिए। यहाँ पे कोई दुनिया खत्म नहीं हो रही। आई होप आप सेफ रहें, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।